तो यू गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल तिवारी प्लेस में आपका स्वागत है एंड आई होप यू आर इन्जॉइंग द प्रीवियस स्ट्रीम्स। आज के इस गेम प्ले वीडियो में हम देखने वाले रैंक पुश टू कॉन्करर, ये एक बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है जहाँ पे मैं इस सीजन में कॉन्करर रैंक पुश जाऊँगा। आई होप आपको ये सीरीज ज़रूर पसंद आएगी। फिलहाल के लिए मैं खेल रहा हूँ सोलो विद स्क्वाड। इस गेम प्ले में मेरी जो बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्ड करना मैं भूल गया हूँ, तो इसमें थोड़ा इग्नोर मार देना आप लोग। तो अभी मैं सीधा उतरता हूँ सीधा रोजॉक के अंदर जहाँ पे बहुत सारे बंदे मेरा इंतजार कर रहे हैं एंड लेट्स सी आगे मैं कैसे देखता हूँ। तो गाइज मेरे को यहाँ पे इस कंपाउंड में मेरे को थोड़ी आवाज आ रही थी, फुटस्टेप आने लगी थी कि बंदे यहाँ पे शायद हो सकते हैं। तो एक बंदा डायरेक्ट पुश करता है, मैं डायरेक्ट उसको UMP, तो आपको मालूम है भाई एक नंबर गन है भाई। लेकिन शायद इस अपडेट के बाद में उसका थोड़ा सा जो इफेक्ट है वो पहले अपडेट से मेरे को कम क्यों फील हो रहा है। आपको भी अगर ऐसा लगता है तो वीडियो में कमेंट जरूर करके बताना कि आपको अगर ऐसा फील होता है तो। मुझे तो ऐसा फील जरूर होता है गाइस। तो एक बंदे की फुटस्टेप मेरे को यहाँ पे जरूर आई थी, तो मैं सोचा कि नेड करके देखता हूँ कि शायद वो बंदा फूट जाए, बट लेट्स सी। मैं बार बार नेट करने की कोशिश कर रहा था बट उसकी जो बंदे की फुटस्टेप थी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता चली। तो गाइस थोड़े बॉट भी मारने पड़ते हैं, यू नो KD बढ़ाने के लिए बॉट्स मारने पड़ते हैं, तो वही कर रहा हूँ मैं, थोड़ा बॉट्स भी मार लेता हूँ ज़रा ताकि KD में मेंटेन रहे। इतना सच नहीं बोलना होता है बट आई नो, बट इट्स ओके फाइन। तो यहाँ पे मैंने कुछ ईजी किल्स निकाले, मेरे को बंदे की फुटस्टेप यहाँ पे डेफिनेटली आ रही थी, इसलिए मैं डायरेक्टली नीचे जाता हूँ और एक बंदा एकदम एग्जैक्टली मेरे सामने आ जाता है। तो गाइस मेरे हाथ में UMP है और भाई 1v1 लेना तो भाई प्योर 1v1 में तो ख़त्म है भाई बंदा। तो मैं पीछे TPP में आराम से इस बंदे को ला के ले लेता हूँ और ईजी 1v1 निकाल लेता हूँ मैं। वो अलग बात, इस बंदे पास शॉर्ट गन थी, अगर मैं इसको एक बुलेट भी इसके कनेक्ट हो जाती तो मैं शायद नॉक हो जाता। तो यहाँ पे ईजी 5 किल मेरे को निकल गए थे। अब वो एक जो बंदा है ना गाइस, मेरे को अभी तक उस बंदे की फुटस्टेप आ रही थी, तो ये तो मैंने बॉट मार दिया। पीछे मेरे को मालूम था कि पीछे बंदे ज़रूर हैं, बिकॉज जो मैं जब बंदे को मारा तो फायरिंग पीछे से भी आई थी, इतना तो कन्फर्म है पीछे बंदे। तो मैं क्या करता हूँ, आगे वाले बंदों पे रश कर देता हूँ मैं, लाइक सोचा कि वो फाइट में एंगेज होंगे तो मैं सीधा उन पर चला जाता हूँ। बट यहाँ पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं अपने बंदों के बीच में कन्फ्यूज़ हो गया। लेफ्ट से भी मेरे को आवाज़ आई, राइट से भी मेरे को आवाज़ आई, तो मैं क्या करता हूँ सीधे लेफ्ट वाले के पास जाने की कोशिश करता हूँ पहले, और किल की लालच में मैं पहले सामने वाले को फिनिश करने के चक्कर में सीधा उस पर घुस जाता हूँ। मेरे को बंदा मालूम है, सीधा उस पर घुस जाता हूँ, मेरे को राइट वाला बंदा मार देता है। तो आ जाते हैं अपने सेकंड मैच में। फर्स्ट मैच आपने देखा कि कैसे मार गया हमें, बहुत बुरा लगा मेरे को। तो मैं शुरू किया अपने सेकेंड मैच और सीधा मैं अगेन इरांगल पे। इस बार मैं रैंक्ड, मैं सोचा कि भाई सोलो भी स्क्वाड मुश्किल लग रहा है, पहले थोड़ा सा स्क्वाड के साथ खेल के देखते हैं। तो अगेन मैं कूदता हूँ इरांगल की उस पिरामिड की दुनिया में और यहाँ पे मेरे को मिलती बाइजन भाई, गलत ही सीन था यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पे कैंप करना पड़ गया गाइस, क्योंकि मेरे को लाइक मल्टीपल फुटस्टेप थे, मेरे टीममेट्स भी आसपास बिल्कुल नहीं थे, तो अगर मेरा नॉक था होता तो डेफिनेटली फिनिश हो जाता। तो मैं थोड़ा होल्ड किया। अब गाइस मेरे को कमेंट पे कैंपर मत बोल देना सीरियसली, मेरे पास हेलमेट नहीं है ना मेरे टीममेट्स आजू बाजू, तो मैं रश तो बिल्कुल नहीं कर सकता था यहाँ पे। तो मैं बस होल्ड किया थोड़े टाइम के लिए और बंदे को आने पे मैंने फोर्स किया। अब जैसे ये बंदा मेरे को दिखता है मैं उसको सीधा प्री फायर आके, भाई ये बंदा मेरे को पक्का कैंपर जरूर बोल रहा होगा। आई नो यार सेम फीलिंग आती है, आपको भी ऐसी फीलिंग आती होगी, बट गाइज आप खुद सोचो 4 बंदों में मैं अकेले बाइसन विदाउट हेलमेट वेस्ट कैसे घुल जाऊं। तो और कुछ बंदे यहाँ पे सामने दिख गए मेरे को और मैं उसको इजी फ्रैग्स निकाल दिया यहाँ पे मैंने। अब ये जो बंदा है ना भाई, ये जो क्या है इसका नाम, एक क्रिएचर है बहुत अनोइंग है भाई। अब ये बंदा जो है ना, जो यहाँ पे जो क्रिएचर्स होते हैं लगातार मेरे को प्रॉब्लम दे रहे हैं। लाइक राइट से बंदा आने वाला है, लेफ्ट में भी बंदा है और ये बंदा मेरे को पीछे से परेशान कर रहा है भाई आके। भाई क्या भाई, इसको ये सबसे बेकार फीचर लगा मेरे को इस जो आइलैंड में। देखो ये अभी बंदा आने वाला है यहाँ से, ठीक है, और ये हमेशा मेरे पीछे पोक कर रहा है भाई। अब मैं बंदे को देखूँ कि भाई तेरे को मारूँ यार। आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या अनोइंग लगता है आपको, ये बहुत नया लगता है मेरे को।
मेरे को इसको लिटरली मारना पड़ जाता है कभी कभी। एक ये और जो ऊपर आसमान में जो परिंदा उड़ता है इसका भाई लिटरली दिमाग खराब कर देता है भाई कभी कभी, लूटने भी नहीं देता आराम से। तो उसको मेरे को मारना पड़ता है तब जाके मैं आराम से लूट पाता हूँ यहाँ पे। तो भाई मेरा इंटरनेट कनेक्शन चोक हो गया और मुझे अगला मैच आना पड़ा, बिकॉज भाई क्या करें जियो का कनेक्शन ही कुछ ऐसा है भाई। तो मैं वापस न्यू मैच में आता हूँ, 3 किल मेरे हो जाते हैं और मैं देखता हूँ कि मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी। शाबाश बेटा शाबाश। तो भाई ऐसी फीलिंग आती है भाई, आपने लाइक नहा लिया निकला आपको पता चलता है आपने साबुन ही नहीं लगाया, तो ऐसी फीलिंग आई मेरे को। क्या क्या बोला तूने पहले, क्या बोला? चल चल चलो। अब यहाँ पे जो होने वाला है ना, लिटरली मेरे दिमाग ख़राब हो गया था। लिटरली कम से कम 5 से 10 मिनट मैंने यहाँ पे खर्च किए, वो भी बिन मतलब के। कैसे आगे देखते हैं। अब मेरे को यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे फायरिंग हो रही है, यहाँ पे बंदे आसपास हैं और यहाँ पे काफ़ी स्क्वाड थी, नॉट इवन जस्ट वन, यहाँ पे कम से कम 2 स्क्वाड थी। तो मैं यहाँ पे इस बंदे पे एम टारगेट करके रखा था, मैंने शूट नहीं किया, इनको मेरे को परफेक्ट एंगल चाहिए था। मैंने बहुत नॉक्स किए हैं इस मोमेंट में, कितने नॉक्स किए हैं, इतना डैमेज दिया बट किल एक भी नहीं आया है। तो देखो बस क्या होता है, ये एक नॉक किया मैंने भाई, मेरे को ये परफेक्ट एंगल चाहिए था। हर जगह बंदे, हर जगह से बंदे पड़ रहे हैं, अंदर भी बंदे हैं, यहाँ पे भी, सामने भी बंदे हैं, मैं सबको नॉक देने जा रहा हूँ बट फिनिश एक भी नहीं मिल रहे हैं। अब यहाँ पे इस बंदे को एक प्रॉपर स्प्रे में नॉक करता हूँ मैं, बट अगेन उसका बंदा स्मोक से आके रिवाइव दे देता है। तो ऐसे चलता रहा, स्मोक और बंदे आए, आपस में फाइट हो रही है। अभी मैं नीचे वाले को भी नॉक करने की कोशिश करूँगा, तो ये नीचे मेरे को बंदा दिखता है यहाँ पे खुला हुआ, रिवाइव दे रहा होगा, तो मैं डायरेक्ट नॉक करता हूँ उसको, बट अगेन वो कवर में चला जाता है। अब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, अगर गाड़ी होती तो मैं डायरेक्ट रश कर देता, अगर मेरे को जाना पड़ता तो ओपन से जाना पड़ता मेरे को। तो बस ये चलता रहा एंड लास्ट में जो हुआ, लाइक पूरी मेहनत एक तरह से पानी में मिल गई, एमो भी गई इतनी सारी, तो लाइक ये कोई पॉइंट नहीं हुआ इस फाइट का, बट हाँ मैंने बहुत डैमेज, बहुत नुकसान बहुत पहुँचाया था। चलते नेक्स्ट मैच की ओर। यहाँ पे इस मैच के बाद थोड़ा डीमोटिवेटेड जरूर हो गया मैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेट सा हो गया था, लाइक क्यों नहीं मर रहे भाई बंदे, क्यों नहीं मर रहे, क्यों नहीं बंदे। तो एक और अगेन ही रैंगल मैच में ज्वाइन करता हूँ एंड वापस यहाँ पे बंदे डायरेक्टली सामने आ जाते हैं मेरे। तो इस बार तो मेरे टीममेट्स साथ थे, इसलिए मैं डायरेक्टली रस का घुस रहा था मार रहा था। तो मैं कॉन्फिडेंस से घुसा, बिना हेलमेट के घुस रहा था मैं। इनफैक्ट बंदे के पास, ये तो बंदा इजी नॉक फिनिश, बंदे के पास गन भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो इजी फिनिश किया मैंने। पर ये ऊपर जो बंदा है ना, बहुत अनॉय कर रहा है यार मेरे को यार, ये जो क्रिएचर जो है ना बहुत ज़्यादा अनॉय करता है यार, इतना आराम से मार रहा होता बंदे को, बीच में आते खर परेशान करने लगता है। तो भी सामने मेरे को बंदे और दिखते हैं, तो मैं कुछ कुछ को नॉक देता हूँ, ईजी फिनिश निकालता हूँ और लाइक देखो आप आगे। तो यहाँ पे मेरे को कुछ इजी फिनिशेस मिले। अब मैं जब यहाँ पे जा रहा था, तो मैंने जाते वक्त एक बंदे को स्पॉट किया, तो मैंने इजीली इसको टेक डाउन कर लिया। लाइक इसका बर्स्ट जो वेपन का, इस गन का बहुत बेस्ट है, लाइक इजीली लाइक 2-3 बुलेट में ही आपका जो बंदा है डाउन हो जाता है। तो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगती गन, सिंगल टैप्स पर अगर यूज़ करते तो और भी बढ़िया होती है गन ये। तो अब मैं अपने बंदे को लेके सीधा जाता हूँ रिकॉल टावर के पास में, एक बंदे को लेता हूँ मैं, फिर सीधा निकलते हैं। जाते जाते मेरे को सामने दिखाई देते हैं कुछ बंदों की आवाज़ आती है, फायरिंग चल रही होती है, तो डायरेक्टली रुक जाता हूँ मैं और देखता हूँ, पे स्काउट करता हूँ, मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है। अब इस बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ, निकल लाइक उसका दूसरा जो कवर फायर देता है, जैसे ही मैं रिलोड करता हूँ उसी समय उसका दूसरा कवर आ जाता है। तो लाइक मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ बंदा यहाँ पे, लाइक उसने कवर फायर भी दिया, बट यहाँ पे जो होता है ना इसके बाद मेरा, मैं इसके बाद तो लिटरली फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, लाइक अब देखना आप क्या होगा। बंदा फुल स्मोक वोक डाल देता है, लाइक सब प्रॉपर सब कुछ बेसिक्स करता है जो करना चाहिए, बट फिर अगेन उसका एक बंदा आ जाता है। मैं तो आप इमेजिन नहीं करोगे, मैं अपने लिटरली अपना आईपैड फेंक दिया था, इतना गुस्सा आ गया था मेरे को, लाइक
क्यों भाई मेरे को ये टारगेट क्यों कर रहे हैं सब लोग। तो वापस रिकॉल होता हूँ मैं, लाइक सामने मैं रैंडमली जा रहा हूँ तो वापस सेम बंदे के साथ में, और सामने में जैसे जाता हूँ मैंने एक हेड जरा सा पीक देखता हूँ मैं कि लाइक बंदा है, मैं देख लेता हूँ बंदा है यहाँ पे, तो डायरेक्टली यहाँ पे पुश करता हूँ। और जब हाथ में उजी हो और आपका एम बढ़िया हो तो पुश क्यों ना करें, तो डायरेक्ट घुस जाता हूँ मैं उजी लेकर, बंदे को टप टप फिनिश कर देता हूँ एकदम। उजी क्लोज रेंज बीस्ट गन है, अगर आप क्लोज रेंज की बात करो लाइक यूएमपी भी फेल है इसके आगे, तो डीपी निकलती है थोड़े, मैं डीपी से अपने थोड़े बॉट्स को मारने की कोशिश करता हूँ। अब मैं सीधा जाने वाला हूँ उसके बाद ब्रिज के पास, बिकॉज जोन इसी के आसपास बनता है, तो पहले मैं स्काउट करता हूँ ब्रिज पे बंदे नहीं, बिकॉज मेरे को पक्का यकीन था कि बंदे यहाँ पे डेफिनेटली होंगे, बिकॉज एक ही रास्ता है जो यहाँ से मिलिट्री से आने वाला है, तो बंदे यहाँ पे डेफिनेटली कैंप कर रहे होंगे। मैंने देख भी लिया बंदे, मेरे टीममेट ने भी स्पॉट कर लिया, तो हम यहाँ पे रुकते हैं। और ये अपडेट के बाद जो ये बन के आया है काफ़ी फायदेमंद साबित होता है, तो हम यहाँ से सीधा आते हैं आगे। तो बंदे थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं पीछे के कंपाउंड में, एक बंदा मैं स्पॉट कर लेता हूँ लाइक ब्रिज से आ रहा होता है वो बंदा, अब उसी से मैंने उसको ट्राई किया नॉक करने का, बट लाइक वो उसकी गलती ये हो कि रुक गया बंदा वो, और उसी का मैंने फ़ायदा उठा लिया लाइक उसी से मैंने लाइक उसका स्प्रे तो अच्छा है ही, फायर रेट भी अच्छा है, तो मैंने ईजिली उस बंदे को नॉकडाउन कर लिया। अब ये स्किल मेरा बंदे ने स्टील हो गया, मैं ऑलरेडी पहले मैच से दिमाग ख़राब हो रखी है, और ऐसे जब होता है तो और दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं एकदम फ्रस्ट्रेट सा हो गया, नेट वेट फेंक दिया मैंने पूरा एकदम, वो अलग बात है फटा एक भी नहीं, बट दिमाग ख़राब इसने जो बंदे ने किया ना मेरा, लाइक क्या ही बताऊँ आपको मैं। तो नेट मिस हो गया, बंदा लेफ्ट आ जाता, मैं सीधा घुस जाता, मैं बोलता हूँ कि फक इट यार मैं सीधा घुस रहा हूँ, मैं मारूंगा इसको या तो मारूंगा तो मरूंगा। अब मेरा टीममेट इतना इतना बड़ा हरामी है, आप देख सकते हो करता क्या मेरा टीममेट, कुछ नहीं कर रहा, लिटरली इस पॉइंट में मेरा टीममेट कुछ भी नहीं कर रहा है, लाइक सिंपली वो मेरे को बेट की तरह यूज़ कर रहा है, तो मैं घुसते जा रहा हूँ घुसते जा रहा हूँ, वो बेट की तरह मेरे को यूज़ करते जा रहा है। अब मैं एकदम आगे चला जाता हूँ और मेरा टीममेट अभी भी मेरे को बेट की तरह, अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं अब मैंने सोचा कि भाई तू ही आगे जाएगा अब, तो मैं इसको अब बेट की तरह यूज़ करने लग गया, और लाइक उसी का मैंने फ़ायदा उठा लिया, और यहाँ से मेरे को मिल जाता है एक ईजी फिनिश। लाइक ये बंदा कर भी आ रहा था, लाइक लिटरली क्रॉल करके जा रहा था ऊपर यार भाई। और अब जो स्कैम होने वाला है ना गाइस, अब जो स्कैम होने वाला है, अब देखो खुद देखो आप, मैं जा रहा था फुल टशन में भाई, 7 के लोग हैं, मैं अब घुसूंगा रिफ्लेक्स में सबको मार दूंगा, ठीक है, मेरे को पक्का है कि इन कोई ना कोई मेरे को करेगा कुछ ना कुछ, तो कोई ना कोई कहीं ना मेरे को लोग एम लेके बैठा ज़रूर होगा, और यही होने वाला है, अब देखना क्या होता है। जैसे ही मैं बाइक में बैठता हूँ लेफ्ट से मेरे को ये स्प्रे जो गलत वाला आता है, मेरा बंदा सीधा बाइक पे जाके बैठ जाता है भाई, बाइक पे जाके एकदम रुक सा जाता है वो, सहम से जाता है वो एकदम, और दोनों को सीधा नॉक फिनिश कर देता भाई। ऑलरेडी दिमाग ख़राब है भाई, और दिमाग ख़राब होते जा रहा था भाई, अब समय आ गया था भाई चिकन डिनर लेने का, लाइक इतना खेलने के बाद इतना खेलने के बाद लाइक अब समय आ चुका था भाई चिकन डिनर लेने का, तो मैं सीधा नेक्स्ट मैच लीव कर देता हूँ मैच वो, तो सीधा मैं स्पेक्टेट भी नहीं करता हूँ। मैं सोचा कि भाई अब लिविक से ही काम होने वाला है, अब जो होगा भाई लिविक में ही होगा, और कहीं से कुछ ने मेरे को आशा दिख नहीं रही थी, तो सीधा लिविक चूज़ करता हूँ, लिविक पे आ जाता हूँ सीधा। देखो एक चिकन कैसे निकालता हूँ मैं, अब यहाँ पे मैंने एक बंदा स्पॉट कर लिया सामने, और लाइक ईजी था उस बंदे के साथ, उसके टीममेट पीछे होंगे थोड़े, मेरे पास रेड डॉट भी नहीं था ना, तो मैं ईजिली उसको यहीं से नॉक कर देता, बट देखो मैंने कैसे नॉक किया इसको। इस बंदे का मेरे को बस इंच सा दिखता, उसी की ज़रूरत थी मेरे को, और भाई आपको फिर तो मालूम ही है, इंच भी दिखा तो ख़त्म है फिर, तो इजीली नॉक कर देता हूँ मैं। उसके बाद मैं क्या सोचता हूँ कि लाइक उसके बंदे पीछे होंगे तो डायरेक्टली आगे रश कर देता हूँ मैं, लाइक राइट से फ्लैंक मार के, तब तक मेरा बंदा एकदम से घुस जाता है बंदे पे, लाइक पता नहीं उसमें क्या आत्मा चढ़ जाती है भाई, सीधा घुस जाता है वो एकदम सेंटर से, जब तक मैं पहुँचता तब तक तो नॉक और फिनिश हो जाता है बंदा मेरा, तो मेरा टीममेट जो है लाइक फिनिश ले लेता है, मेरे को फिनिश भी नहीं मिलता, वो बंदा रिवाइव हो जाता है। तो लाइक अब गाइस जो आगे जो फाइट होने वाली ना, अब देखो भाई मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बस देखो आप। अब हम सब आगे पुश कर देते हैं, मेरा एक बंदा जो है यहाँ पे, मालूम बंदे यहाँ पे डेफिनेटली है,
यहाँ से एक बंदा से मेरा बंदा नॉकआउट होता है, मैं सीधा घुस जाता हूँ, मेरे को पता है आगे भी बंदे बट सीधा घुस जाता हूँ मैं कॉन्फिडेंस में एकदम, इसलिए एक बंदा नॉक कर देता हूँ, पता नहीं उनके कवर फायर क्यों नहीं आया बट ये प्रॉपर 1v1 लिया और बंदे को नॉक कर दिया था मैंने। यहाँ पे किल मिल जाता है मेरे को यहाँ पे। अब मेरे को मालूम है कि दो बंदे उसके सामने ही खड़े हैं, तो 3 men थे, एक नॉक है, तो दो सामने, तो स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ, एक नॉक हो जाता है, उसको फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, और मेरे को मालूम है दूसरा भी इसी पेड़ के आसपास ही है कहीं, तो मैं उसको स्पॉट कर लेता हूँ, इजी फिनिश कर देता हूँ। तो ये स्क्वाड तो वाइप हो जाती है, बट अब जो ट्विस्ट आता है यहाँ पे, उसी टाइम पे हमारे ऊपर एक और स्क्वाड रश कर देती है, सेम टाइम पे मेरा बंदा पूरा रिवाइव ही नहीं होता, सीधा स्क्वाड वाइप स्क्वाड पुश कर देती है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कैसे मैनेज करता हूँ मैं इस पॉइंट पे। तो भाई यहाँ पे जो जो ही हम लोग दोनों बंदर ने एक नंबर, और मैंने जो भारा इन दोनों स्क्वाड को लाइक, तो गाइज यहाँ पे गलत ही स्क्वाड वाइप कर दी हम दोनों ने मिलके, लाइक मज़ा आ गया। अगर ये मज़ा आया तो एक लाइक इस वीडियो पे ज़रूर कर देना, लाइक बहुत मेहनत से क्लिप्स निकलती हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनती हैं, एंड फाइनली कुछ बॉट्स मारने पड़े थे लिविक का, ये दिक्कत बहुत है, बॉट्स बहुत सारे मिल जाते हैं, तो बॉट्स को कुछ फिनिश किया, लास्ट में जब हम देखते 6 बंदे बच जाते हैं, तो मेरे टीममेट्स कुछ जो होते हैं वो इजीली स्पॉट कर लेते हैं, और मैं क्या करता हूँ बस सीधा सीधा उसको सनाना स्प्रे दे देता हूँ सारे बंदों को, एंड फिर ये बंदे तो इजीली मर जाते हैं। लाइक मेरे को एक बंदा दिख जाता है ये ग्लेशियर में जो ये ग्लीसवुड में जो रहता है, उसको मैं इजीली स्प्रे देख के मार देता हूँ, और एक बंदा मैं लास्ट में स्पॉट कर लेता हूँ, ये छत पे दिख जाता है मेरे को बंदा। ये मेरे टीममेट काफ़ी बढ़िया स्पॉटिंग दिखाए यहाँ पे, मैं बस मार्क कर दिया और मैंने तो बस सीधा स्प्रे दे दिया। तो इस तरीके से ये मैच का मैं सीधे जाके इसको अब एंड करने जाता हूँ, नेट से सोच रहा था, एंड फाइनली जाके चिकन मुझे मिल जाता है। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, अगर आपको इस वीडियो का हल्का सा भी पार्ट, हल्का सा भी कोई क्लिप पसंद आता है, तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कहीं ना कहीं किसी और क्लच वीडियो में, किसी और अच्छे से मोन्टाज में या किसी और शॉर्ट में। तब तक के लिए अपना सेहत का ख्याल रखें, बी सेफ, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय गाइस।